नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, कैसे हो भाई लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आपके पास पोको X3 GT डिवाइस है तो इस डिवाइस के लिए बहुत ही अच्छा गुड न्यूज आया है, क्योंकि यहां पर काफ़ी सारे यूज़र की तरफ से सवाल आ रहे थे कि इस डिवाइस को अपडेट कब मिलेगा कब मिलेगा। तो फाइनली यार इस डिवाइस के लिए Xiaomi की तरफ से नेक्स्ट अपडेट देखने को मिल चुका है। तो क्या आपको ये अपडेट देखने को मिला है या नहीं, अगर नहीं मिला तो कब मिलेगा, ये सारे सवाल तो आप लोग पूछ ही रहे होंगे। तो वीडियो में आगे जाके आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलती रहे। और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जो कि डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है। और दोस्तों जहाँ पर दोस्तों आप सभी को हर अपडेट से रिगार्डिंग सबसे पहले डाउनलोड लिंक और इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पोको X3 GT के बारे में क्या यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों इन्फॉर्मेशन बताने से पहले आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर पोको X3 GT जिनके पास भी है उनके पास MIUI 12.5 का एनहेंस एडिशन का तो अपडेट देखने को मिल चुका था, पर उन्हें नेक्स्ट अपडेट देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि एनहेंस एडिशन ऐसा नहीं है कि पूरा प्रॉपर तरीके से क्लीन एंड क्लियर है, कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा बग है। तो यहाँ पर यूजर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे थे कि अपडेट कब मिलेगा। तो फाइनली इस डिवाइस को 12.5.7.0 का अपडेट यहाँ पर रोल आउट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये अपडेट मिल गया है Xiaomi की तरफ से तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मिला है तो आपको कैसे मिलेगा अपडेट। तो दोस्तों आप सभी को नहीं मिला है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाएं, आपको वहाँ पर डाउनलोड लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके मैनुअली फ्लैश कर सकते हो, ये तो हमने आप सभी को बता दिया। और दोस्तों अगर आपके डिवाइस में अपडेट आता है तो उसके ज़रिए अगर आप लोग अपडेट को इंस्टॉल करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पर आपसे कोई भी झमेला लेना नहीं पड़ेगा, पर इसमें आप सभी को डाउनलोड करके मैनुअली फ्लैश करना होगा। तो बस बात वही है, अपडेट सेम ही है। तो अगर आपको वेट करना है तो अच्छी बात है, नहीं वेट करना है तो डाउनलोड लिंक दिया गया है, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो कि हमने आप सभी को बता दिया है, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगा हम आप सभी को ज़रूरी बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।